हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे डेल्टा VFD, जिसका मॉडल नंबर है MS300। ये मेरे पास डेल्टा की VFD है, ये देखिए MS300 मॉडल की। तो इसमें हम कम्युनिकेशन के पैरामीटर को कैसे सेट करते हैं वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें ये देखिए, ये रन की है, ये स्टॉप की है। देखिए, मैं पास से दिखा रहा हूँ आपको टोटल की कितनी है इसके अंदर, VFD के अंदर। ये बटन कितने देखिए, रन की, स्टॉप, डाउन की, अप की, मोड की और एंटर की, और पोटेंशियोमीटर हो गया। ये देखिए पोटेंशियोमीटर हो गया इसमें। तो आज हम बात करेंगे इस पे कम्युनिकेशन के बारे में। इसका रेफरेंस कम्युनिकेशन पे लेना है हमें, RS485 पे। तो उसकी पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर पैरामीटर की डिटेल। तो 0 ग्रुप के 20 नंबर पैरामीटर में जाएंगे। सबसे पहले वो है आपका सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड। तो फ्रीक्वेंसी की कमांड के लिए आपको किस पे लेनी है, तो हमें कम्युनिकेशन पे लेनी है। तो 0 ग्रुप कैसे जाएंगे, एंटर दबाएंगे, ये 0 ग्रुप फॉर्म में आ गए हैं। फिर एंटर करेंगे तो ये 20 नंबर पैरामीटर में जाना है। तो इसको एंटर करेंगे तो इसमें 0 पड़ा है फ्रेंड्स। अभी इसमें 0 पड़ा है, तो 0 देखते हैं क्या है। तो इसमें 0 है डिजिटल कीपैड, ये देखिए डिजिटल कीपैड पे पड़ी है अभी। ये कीपैड से चला सकते हैं इसको इस टाइम पर हम, लेकिन हमने चलानी है इसकी, इसका रेफरेंस जो है चलाना है RS485 पे। तो हमें 1 पे करना पड़ेगा इसको, 0 को। ये 1 पे किया हमने, 1 पे की के एंटर कर दिया हमने, एंड आगे इसका मतलब ये सेव हो गया है। मैं दिखा भी देता हूँ इसके, हमने कम्युनिकेशन का ये इसमें सारी डिटेल दी हुई है टर्मिनल कनेक्शन की। ये देखिए MI1 से लेके MI2, MI3, MI6, 7 तक। उसके बाद 24 वोल्ट, फिर कॉमन आ गया आपका। उसके बाद लिखिए, लास्ट में लिखा है RS485 पोर्ट, ये वाला ये लिखा है देखिए। और ऊपर उसके मल्टी फंक्शन रिले लिखा हुआ है, मल्टी फंक्शन रिले के लिए इससे ऊपर। ये देखिए इस तरीके से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इस तरीके से ये है। और ये वाले टर्मिनल देखिए MI1 वाले, ये हैं ये जो DO के लिए कमांड के लिए। और ये है हमारा इथरनेट का, ये देखिए ये RS485 हमने सिग्नल ले रखा है इसके रेफरेंस में। ये केबल हमने कनेक्ट कर रखी है अभी इसमें। ये केबल हमारे दूसरे एंड इसका PLC में जा रहा है। तो इसके अलावा ये आपका पोर्ट पे चलाने के लिए हो गए टर्मिनल, और आपको पोर्ट पे चलानी है। ये मल्टी फंक्शन रिले मैं आपको बता ही चुका हूँ इसके बारे में। तो इसके अलावा ये सब टर्मिनल की डिटेल इसके ऊपर ही दी हुई है फ्रेंड्स, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ओनली इसके रेफरेंस को, RS485 पे कैसे लेते हैं, तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उससे अगला क्या पैरामीटर सेट करना है हमें। हमने कम्युनिकेशन पे कर दिया है, उससे आगे हमें कमांड देखना है फ्रेंड्स। जो कमांड है DO है, जिससे कि स्टार्ट होगी, वो किस पे लेना है हमें। तो 0 ग्रुप के 21 नंबर पैरामीटर है ये। इसमें कीपैड से स्टार्ट करना है तो 0 नंबर, और एक्सटर्नल टर्मिनल से स्टार्ट करना है तो 1 नंबर। और 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो कम्युनिकेशन RS485 से ही स्टार्ट भी हो सकते हैं। हम 0 नंबर ग्रुप के 21 नंबर में जाएंगे, तो अभी 20 है, 20 को 21 करेंगे। अब की से ये 21 कर दिया, इसको एंटर करेंगे तो अभी इसमें 1 पड़ा हुआ है। 1 देखते हैं किस चीज़ का है। 1 है आपका एक्सटर्नल टर्मिनल, तो इसी पे हमें करना है, क्योंकि हमें कमांड जो है इसके टर्मिनल पे ही देनी है। और अगर 2 नंबर कर देते तो RS485 से ही कमांड भी मिल जाती इसको, लेकिन हम इसको एक्सटर्नल टर्मिनल पे करना है। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन के पैरामीटर सेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन के पैरामीटर 9 नंबर ग्रुप में है आपके। तो 9 नंबर ग्रुप के 0 नंबर पैरामीटर में पहले, सबसे पहले कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि डिवाइस ID जिसको बोल देते हैं हम, यानी तो इस पे चलेंगे हम 9 नंबर ग्रुप में। तो मोड से बैक आएंगे, एक बार और दबाएंगे, ये 0 ग्रुप है, इसको 9 नंबर करेंगे सेलेक्ट। 9 नंबर ग्रुप में ये चले गए। इसके बाद इसको एंटर करेंगे, एंटर किया, देखिए इसको 0 पैरामीटर में ही जाएंगे, इसमें 0 फिर एंटर करते हैं। तो इसमें 2 पड़ा हुआ है फ्रेंड्स अभी, तो इसकी डिवाइस ID जो है 2 पड़ी हुई है, तो इसको 2 ही रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
तो इससे अगला पैरामीटर देखेंगे अब, तो 9 नंबर रूप का 1 नंबर पैरामीटर में जाएंगे अब। ये फ्रेंड्स इसको कम्युनिकेशन मैंने पीएलसी से कर रखा है, ये मेरे पास पीएलसी है, डेल्टा की पीएलसी है मेरे पास, डीवीबी डॉश बार डैश 12S A2, ये पीएलसी है मेरे पास, डिजिटल पीएलसी है। इसका कम्युनिकेशन मैंने इस अपनी ड्राइव से कर रखा है, तो इसका बॉड रेट जो हमारा पीएलसी में पढ़ा है वही इसमें करना पड़ेगा। देखिए 9 ग्रुप के 01 पैरामीटर जो है बॉड रेट का है, तो बॉड रेट हमारा पीएलसी का 19.2 है, तो इसका भी वही कर देंगे। ये देखिए 19.2 कर दिया हमने, इसको एंटर कर देंगे, सेव हो गया। इसके बाद देखते हैं 9 ग्रुप का 2 नंबर पैरामीटर है हमारा ट्रांसमिशन के लिए, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे वार्म एंड कॉस्ट टू स्टॉप, तो वार्निंग आ जाए जिससे हमारी अगर कम्युनिकेशन फेल हो, तो इसको भी सेट कर देते हैं। एक ही 2 नंबर पैरामीटर गए 9 नंबर ग्रुप के, एंटर करेंगे तो करेंगे तो 3 पड़ा हुआ यहाँ पर, तो हमें 2 कर देते हैं इसको फ्रेंड्स, 9 अगर 3 रखेंगे तो वार्निंग नहीं आएगी और 2 रखेंगे तो वार्निंग आ जाएगी कम्युनिकेशन पे, तो चलिए 3 ही रख देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं 9 नंबर ग्रुप के 4 नंबर में, इसमें है आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है आपको, तो इसमें हमारा हम सेलेक्ट करेंगे RTU ये 8E1, ये जो आपकी डाटा बिट है 8, इसको सेलेक्ट करेंगे, बैक आएंगे 9 नंबर ग्रुप के 4 नंबर पैरामीटर में जाएंगे, इसको एंटर करेंगे, ये एंटर कर रहा हूँ मैं, 14 नंबर पड़ा फ्रेंड्स, 14 नंबर ही हमें सेलेक्ट करना था, ये देखिए 14 नंबर पे ये है हमारा डाटा बिट 8 RTU, ये देखिए 8E1, तो इसी को हमने सेलेक्ट करना था, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी है ये ही होता रहता है इसमें। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पैरामीटर कम्युनिकेशन के, अब जो हमारा पीएलसी में और ड्राइव का कम्युनिकेशन रेडी हो जाएगा, क्योंकि पीएलसी में ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं, तो इससे हमारा रेफरेंस जो है कम्युनिकेशन के थ्रू होगा और कमांड जो है टर्मिनल के थ्रू डी हो जाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी कम्युनिकेशन के